हे गाइस, दिस इज मुकुल शर्मा एंड आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। भाई इस टाइम में मेरे सामने खड़ी होने वाली है अपनी महिंद्रा का छोटा चीता, हम कह सकते हैं भाई अपनी बोलेरो नियो, तो जो कि भाई इस टाइम पे अपने सामने खड़ी है भाई अपनी N4 वेरिएंट, जो कि हम एक तरीके से भी कह सकते हैं बेस वेरिएंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं की तो कुछ इस तरीके की अपने को इसके अंदर भाई फ्लिप की देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर अपने को किसी भी तरीके के सेंट्रल लॉकिंग प्लेस देखने को नहीं मिलने वाली है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी की तरफ, तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना आप लोग को इसका ब्लैक कलर कैसा लगा। वैसे जो भाई अपनी महिंद्रा की सारी गाड़ियों का ब्लैक कलर है, सबने भाई मार्केट के अंदर धूम मचा रखी है, वेटिंग काफ़ी ज़्यादा लंबे पीरियड की हो गई है ब्लैक कलर की वजह से ही। अगर हम बात कर लेते हैं, देखो भाई इस साइड पर अपने को भाई इसमें स्कॉर्पियो देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लैक कलर की होने वाली है। और बात कर लेते हैं सारी गाड़ियाँ ही भाई ब्लैक कलर की महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बढ़िया अट्रैक्टिव लुक वाली निकाल कर हमारे सामने मार्केट के अंदर उतार रखी हैं। तो बात कर लेते कार की तरफ, तो भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हैं फ्रंट ग्रिल से, अपने को यहाँ पर कुछ ट्विन पीक लोगो कार का नया वाला देखने को मिल जाता है महिंद्रा का, जो कि भाई एकदम बटरफ्लाई वाली शेप का होने वाला है। और जो ये चीज़ है ना भाई, इसने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक्स दे दिए अपनी महिंद्रा की काफ़ी सारी गाड़ियों को। तो बात कर लेते हैं इधर अपने को पियानो ब्लैक फिनिश के इनलेट्स कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इधर से ही उठ कर जाते हैं इसमें टॉप वेरियंट की तरफ या फिर ऊपर के वेरियंट्स की तरफ, तो भाई वो अपने को क्रोम या फिर सिल्वर फिनिश के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हनीकॉम डिज़ाइन इस साइड पर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं एयर इनलेट के लिए, जो ग्रिल है उसमें भी अब काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का एयर इनलेट के लिए हनीकॉम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है भाई जी। नंबर प्लेट के लिए इस फ्रंट में यहाँ पर अपने को मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है, और कुछ इस तरीके का फ्रंट का बम्पर होने वाला है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने को यहाँ पर भाई सिर्फ एक कवरिंग देखने को मिलती है फोग लैम्प्स के लिए, पर प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो भाई अपने को यहाँ पर इसमें हेलोजन बेस्ड इसमें रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई हाई बीम डो बीम के अंदर एक ही बल्ब काम करने वाला है। इधर अपने को टर्न इंडिकेटर्स भी भाई इसके अंदर अपने को हेलोजन बेस्ड देखने को मिलने वाले हैं। तो मौसम हो गया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भाई इस टाइम पर, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके का कार का फ्रंट लुक होने वाला था। आ जाते हैं अब धीरे धीरे साइड प्रोफाइल की तरफ, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कार की साइड प्रोफाइल कितनी ही ज़्यादा ह्यूज होने वाली है। और भाई बात करें कार के अंदर जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm की होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इस सेगमेंट के अंदर होने वाली है, क्योंकि भाई जो इस सेगमेंट के अंदर कार आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा 9 से 10 लाख के वेरियंट के अंदर अगर बात करें तो भाई 7 सीटर SUV सिर्फ यही होने वाली है, जो कि एकमात्र बढ़िया महिंद्रा ने निकाल के दे रखी है। अब आए थे इसके भाई टायर या फिर अपने अलॉय व्हील्स की तरफ, जो कि भाई इस टाइम पे स्टील रिम्स कार के अंदर 15 इंचेस के देखने को मिल जाते हैं। गुड ईयर के टायर अपने गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और बात कर लेते हैं अगर इसके टायर सेक्शन की तरफ, तो भाई वो अपने को 215/75R15 का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को बीडिंग कुछ इस तरीके की मैट ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर फेंडर के ऊपर प्लेस देखने को मिलने वाला है अपने को भाई यहाँ पर। इसमें बॉडी कलर्ड अपने भाई ओवर बीम्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट होने वाला है अगर हम बात करते हैं बेस वेरिएंट्स की तरफ से। तो यहाँ पर अपने को भाई इसके अंदर मैट ब्लैक फिनिश के डोर हैंडल्स कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। किसी भी तरीके का क्रोम का इनलेट या फिर कोई भी अपने को सिल्वर फिनिश के इनलेट्स कार के एक्सटीरियर के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले। 50 लीटर्स का अपने को इसके अंदर भाई फ्यूल टैंक डीजल में देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं रियर साइड प्रोफाइल की तरफ, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं भाई रियर साइड प्रोफाइल कितना ही यूज होने वाला है इसका। एक बॉक्सी अपीयरेंस तो कार का होने वाला है, बट भाई जो एक तरीके से हम कह सकते हैं एकमात्र 7 सीटर SUV जो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर होने वाली है, वो सिर्फ यही होने वाली है भाई। अब निब्रेजा वगैरह की कॉम्पैक्ट SUV भी हम कह सकते हैं अंडर 4 मीटर अपने को गाड़ी देखने को मिल जाती है। बोलेरो नियो यहाँ पर बड़ा बड़ा क्रोम के अंदर एम्बलम्स देखने को मिल जाते हैं। टेल लाइट्स की बात करते हैं तो भाई अपने को वही PUV स्टाइल वाली टेल लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, हेलोजन बेस्ड दिए हैं। और यहाँ पर अपने को नीचे की साइड पर दो बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, दो ही पार्किंग सेंसर रियर में देखने को मिल जाते हैं। इधर अपने को भाई इसके अंदर फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, और रियर में अपने को स्पेयर व्हील कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो भाई ये वाला जो फैशन है ये अब धीरे धीरे यहाँ से मार्केट से जाता हुआ देखने को मिल जाता है, या तो सिर्फ इसमें आता है या फिर बोलेरो के अंदर आ रहा है। एंड काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर आता था, बट वो भाई कंपनीज़ ने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट जो ये वाला लुक है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भाई गाड़ियों को एक अच्छा खासा अपीयरेंस दे देता है। यहाँ पर अपने को डीफोकर वाइपर इस वेरियंट के अंदर पर्टिकुलरली नहीं मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं इधर अपने को हाई माउंट लैम्प कार के अंदर LED वाला ही देखने को मिल जाता है। तो रियर साइड से हटकर अगर हम लोग चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ ही दोबारा से, तो कुछ इस तरीके का ड्राइवर साइड प्रोफाइल कार का होने वाला है। एंड इंटीरियर में जाने से पहले चलते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ, तो भाई बूट स्पेस आप लोग को चेकआउट करवा देता हूँ। भाई सबसे पहले बूट स्पेस की बात करते हैं, बूट स्पेस में भाई अपने को यहाँ पर बूट में यहाँ पर अच्छे खासा कवरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि भाई एक सॉफ्ट टच वाली ही होने वाली है। डोर हैंडल अपने को मैट ब्लैक में देखने को मिलने वाला है। एंड बात करते हैं यहाँ पर फुट स्टेप्स से अगर हम लोग कार के अंदर चढ़ या फिर उतर सकते हैं। अपने को भाई दो सीट्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि हम लोग फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। तो कुछ इस तरीके का अपने को 360 लीटर का इसका बूट स्पेस देखने को मिल जाता है।
तो बंद कर कर अगर हम लोग चलें इंटीरियर साइड की तरफ तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग डोर पैनल को ओपन करेंगे तो भाई अपने को डुअल शेड के अंदर इसका इंटीरियर देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर सॉफ्ट टच की कमी रखी गई है, बट हार्ड प्लास्टिक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन के अंदर दी गई है कि अपने को दूर से देखने में यही लगेगा भाई सॉफ्ट टच कार के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर अपने को भाई इसमें पावर विंडो बेस वेरियंट से चारों ही देखने को मिल जाती हैं, मैड ब्लैक या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर अपने को फाइन फिनिश में ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है जो कि अपने डोर हैंडल के ऊपर होने वाली मैड ब्लैक फिनिश के अंदर इसका डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अपने फ्लेट्स कंपनी से फिटेड देखने को मिल जाती हैं। एंड बात करते हैं सीट्स की तो भाई अपने को यहाँ पर थाई सपोर्ट एंड बैक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। रिक्लाइनर वाली सीट्स ये देखने को नहीं मिलने वाली है। अपने को चार हेडरेस्ट कार के अंदर एडजस्टेबल वाले देखने को मिल जाते हैं। रियर से बैठकर अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंट साइड के व्यू की तो कुछ इस तरीके का फ्रंट साइड का व्यू कार में आने वाला है जो कि एकदम बढ़िया होने वाला है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डुअल शेड अपने को इंटीरियर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा इंटीरियर भाई मैं आप लोग को यहीं से ही इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो बात कर लेते स्टेयरिंग व्हील की तो स्टेयरिंग व्हील अपने कुछ इस तरीके का राउंड में देखने को मिल जाता है, थार स्टाइल वाला। तो भाई इसके अंदर अपने को किसी भी तरीके के कंट्रोल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। ट्विन पीक लोगो कार के ऊपर देखने को मिल जाता है। एक एयरबैग अपने को यहाँ देखने को मिलता है, एक अपने को वहाँ देखने को मिल जाता है। डुअल शेड के अंदर इसका इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। एसी वेंट्स आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर कंसोल के अंदर अपने को इसके अंदर इंफोटेनमेंट किसी भी तरीके का प्लेस देखने को नहीं मिलता है। नीचे की तरफ अपने को हैजार्ड स्विच कार के अंदर देखने को मिल जाता है। मैनुअल इसका क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन कार के अंदर देखने को मिल जाता है। मैट ब्लैक फिनिश अगल बगल होने वाली, स्टोरेज स्पेस थोड़ा सा वहाँ देखने को मिल जाता है। अपने को पावर विंडो कंट्रोल जिस जगह पर देखने को मिल जाते हैं चारों के। एंड अपने को यहाँ पर भाई हैंड ब्रेक प्लेस देखने को मिलने वाली है। दो कप होल्डर इधर देखने को मिलते हैं, एक बॉटल होल्डर इधर देखने को मिल जाता है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं रियर से भाई फ्रंट का कितना ज्यादा बढ़िया व्यू आने वाला है। अगर बात कर लेते हैं IRVM की तो IRVM अपने को भाई नॉर्मल वाला देखने को मिलता है, डे नाइट वाला सीन इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। इधर की अगर बात कर लेते तो भाई अपने को यहाँ पर इसमें वैनिटी देखने को मिल जाती है, एलिमिनेशन यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ की बात करते हैं किसी भी तरीके की वैनिटी कार में नहीं होने वाली है। अपने को हैलोजन का इसका भाई कैबिन लैम्प देखने को मिल जाता है। कैबिन लैम्प कार के अंदर भाई सिर्फ एक ही प्लेस होने वाला है जो कि बिल्कुल फ्रंट के अंदर है भाई, इस चीज़ की कमी एक होने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर अपने को ए पिलर के ऊपर भाई दोनों साइड पर ट्विटर की प्लेसमेंट के लिए कवरिंग देखने को मिल जाती है, बट ट्विटर प्लेस देखने को नहीं मिलने वाले। डोर पैनल के अंदर एक चीज़ की हम लॉक कर चुके हैं। यहाँ पर डोर पॉकेट के अंदर अपने को 1 लीटर का बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस साइड पर तो भाई अपने को यहाँ पर स्पीकर के लिए कवरिंग देखने को मिल जाती है डोर्स के अंदर, बट भाई स्पीकर प्लेस देखने को नहीं मिलने वाले। अब लेके चलते हो अगर भाई इसके इंजन साइड की तरफ तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना आप लोग को गाड़ी कैसी लग रही है। बाकी बात करते हैं भाई अब इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो भाई ऑन करके अगर आप लोग को चेकआउट कराऊं तो कुछ इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर अपने को देखने को मिल जाता है, जिसमें सुई हुई बढ़िया देखने को मिलती है। एंड अपने को भाई इसके अंदर MID के अंदर अच्छी खासी बलैरो नियो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इधर की तरफ तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं टैकोमीटर एंड अपना स्पीडोमीटर दोनों ही अपने को एनालॉग में देखने को मिल जाते हैं। और भाई सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर भाई अपने को TPMS देखने को मिल जाता है बेस वेरिएंट से, जो कि बहुत तगड़ी बात होने वाली है भाई। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं 13 की अभी इस टाइम पे एवरेज दिखा रही है। वैसे जो कंपनी क्लेम कर देती है हाईवे पे 17 की एवरेज क्लेम कर रही है कंपनी, जो कि भाई इस तरीके से 7 सीटर की SUV में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एवरेज होने वाली है भाई गाड़ी की। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, एकदम बढ़िया इसमें सीन होने वाला है। तो फ्रंट में बैठ के कुछ इस तरीके का सीन होता है। मैनुअल अपने को इसके भाई ORMs देखने को मिल जाते हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ये स्टिक वाले जो स्टिक वाले। एंड इस तरफ अपने को डे नाइट वाला सीन किसी भी तरीके का देखने को नहीं मिलता है। अब लेके चलते हो आप लोग को इसके भाई इंजन बे की तरफ, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है आपको। इंजन की बात कर रहा था तो बात कर लेते हैं इसके अंदर अपने को 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करके देता है 100 BHP की पावर और 260 Nm का टॉर्क, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इस इंजन के हिसाब से होने वाला है। 3 सिलेंडर का अपने को इसके अंदर डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। MR1 की बैटरी कार के अंदर प्लेस होने वाली है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कैथलेटिक कन्वर्टर कितना ज़्यादा मतलब अच्छे खासे तरीके से दिया गया है। एंड जो यहाँ पर इंसुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि भाई इंजन नॉइस बाहर ना आ जाए। और यहाँ पर बात करते हैं तो इंजन कैबिन इनके अंदर जाने के लिए तो यहाँ पर डैम्पिंग भी कार के अंदर कर दी गई हुई है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, तो भाई 9,63,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर गाड़ी कितना ज़्यादा फिट बैठ रही है, कितना ज़्यादा नहीं, एंड क्या ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होने वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ ज़रूर बता सकते हैं।